हाय गाइस, सिनेमैटिक रिएक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपना अगला वीडियो चालू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि बॉलीवुड में 10 में से 8 मूवीज रीमेक होती है। इस रीमेक की रेस में बड़े से बड़ा स्टार मूवी कॉपी करने पर लगा है। वहीं बॉलीवुड में एक नाम है जो हमेशा कुछ नया हटके करने में बिलीव करता है। जी हाँ, कोई और नहीं बल्कि अपने कंटेंट किंग आयुष्मान खुराना है, जिन्होंने हमेशा ऑडियंस को कुछ नया और अलग कंटेंट दिया है, जो हर मूवी में अपने अलग अलग कैरेक्टर से लोगों के दिल जीत लेते हैं। आयुष्मान जी हमेशा की तरह इस बार भी एक और नए टॉपिक के साथ आए हैं। जी हाँ, आज हम रिव्यू करेंगे उनकी अपकमिंग मूवी डॉक्टर जी की ट्रेलर को। बात करें ट्रेलर की तो ट्रेलर में दिखाया गया है कि आयुष्मान का कैरेक्टर उदय गुप्ता, जो एक मेल होने पर गायनोकोलॉजिस्ट यानी स्त्री विशेषज्ञ होने के परेशानियों से जूझ रहा है। उन्हें ऑर्थो बनना था लेकिन उन्हें गायनोकोलॉजिस्ट की फील्ड मिल जाती है। मेल डॉक्टर होने के कारण कोई फीमेल मरीज उनसे इलाज नहीं करवाना चाहता। इससे उसे कभी मरीजों की गाली तो कभी कभी उनके घर वालों से मार भी खानी पड़ रही है। मूवी में राकुल प्रीत सिंह भी एक डॉक्टर का कैरेक्टर प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आयुष्मान का लव इंटरेस्ट है। सैफाली शाह भी एक सीनियर डॉक्टर के रोल में आयुष्मान को गाइड करते हुए नजर आ रही है। मूवी में आयुष्मान की मां का कैरेक्टर प्ले किया है शिबा चड्डा ने। मूवी फुल कॉमेडी और सोशल ड्रामा से भरी होने वाली है, जो हंसाने के साथ साथ ऑडियंस को एक सोशल मैसेज भी देगी। ट्रेलर में मूवी का म्यूजिक भी शानदार लग रहा है। आयुष्मान की बाकी सभी हिट मूवी की लिस्ट में शामिल होने का पूरा दमखम रखती है डॉक्टर जी मूवी, क्योंकि मूवी की स्टार कास्ट और उनकी एक्टिंग सब जबरदस्त लग रही है। तो हर बार की तरह इस बार भी आयुष्मान खुराना अपने अलग कंटेंट और अलग अवतार से लोगों को चौंकाएंगे, या होगा फिर कुछ और। ये तो 14 अक्टूबर के दिन हमको और आपको मूवी देख कर समझ आएगा ही। तो मिलते हैं आप सभी से इसी मूवी को रिव्यू करते हुए। तब तक हमारी वीडियोस देखते रहिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। क्यों? दो चीज मेरे पास है ही नहीं, उसका इलाज मैं क्या करूंगा।